बाइडेन की जीत में अब्दुल्ला दीवाना बना पाकिस्तान। दिवाली से पहले पटाखे फोड़ रहा है पाकिस्तान। दोस्तों आपने कहावत तो सुनी ही होगी, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए बाइडेन की जीत को लेकर पाकिस्तान की स्थिति भी कमोबेश वैसी ही है। खुद कंगाली में जी रहा है, लेकिन वो बाइडेन की जीत को भारत की हार के रूप में देख रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक नेता जो बाइडेन की शानदार जीत के बाद पाकिस्तान में तो जैसे उत्साह का माहौल है। खैर इसकी वजह एक नहीं कई हैं। एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह सार्वजनिक मंचों से बार बार पाकिस्तान को लताड़ा, उससे पड़ोसी मुल्क खार खाए बैठा है। उनके 4 साल के कार्यकाल के दौरान अमेरिका और पाकिस्तान के संबंध काफी प्रभावित हुए। ऐसे में बाइडेन की जीत के बाद पाकिस्तान को अमेरिका से अच्छे रिश्तों की उम्मीद बढ़ी है। इसी बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी बाइडेन को बधाई दी है। साथ ही अवैध टैक्स चोरी समेत कई मुद्दों पर अमेरिका के साथ काम करने की उम्मीद जताई है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज शरीफ ने भी बाइडेन को अमेरिका का राष्ट्रपति बनने पर बधाई दी है। बाइडेन के अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने ट्वीट किया, उन्होंने जो बाइडेन और कमला हैरिस को जीत की बधाई दी। साथ ही ग्लोबल समिट ऑन डेमोक्रेसी और अवैध टैक्स चोरी को खत्म करने और भ्रष्ट तरीके से देश की संपत्ति के लेन देन में शामिल लोगों पर लगाम लगाने को लेकर साथ काम करने पर उम्मीद जताई है। इमरान ने अपने ट्वीट में कहा कि हम अफगानिस्तान समेत दूसरे इलाकों में शांति के लिए अमेरिका के साथ काम करना जारी रखेंगे। वहीं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भी ट्वीट करके जो बाइडेन को ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी है। उन्होंने लिखा कि हम आपके नेतृत्व में अमेरिका और पाकिस्तान के बीच बेहतर संबंधों के लिए तत्पर हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग की नेता मरियम नवाज ने भी जो बाइडेन और कमला हैरिस को शानदार जीत पर बधाई दी है। साथ ही उम्मीद जताई है कि अमेरिका पाकिस्तान के बीच रिश्ते बेहतर बनाने के लिए एक शुरुआत होगी। बेहद कड़े मुकाबले में डोनाल्ड ट्रंप को हराकर व्हाइट हाउस में जगह पाने वाले बाइडेन अमेरिकी इतिहास में अब तक के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति होंगे। ऐतिहासिक जीत के बाद बाइडेन ने देश को एकजुट करने का संकल्प लिया है। बाइडेन की जीत को पाकिस्तान में अपनी जीत के नजरिए से देखा जा रहा है। पाकिस्तान को लगता है कि भारत प्रशासित कश्मीर के मामले में बाइडेन पाकिस्तान के पक्ष में है। 2008 में आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के समय जो बाइडेन को पाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान हिलाले पाकिस्तान से नवाजा गया था। बाइडेन को ये सम्मान पाकिस्तान को अमेरिका से $1.5 अरब की आर्थिक मदद दिलवाने में अहम भूमिका निभाने के कारण दिया गया था। लिहाजा वो मान रहे हैं कि बाइडेन कश्मीर को लेकर उनका साथ देंगे, क्योंकि बाइडेन ने नरेंद्र मोदी की सरकार के उस फैसले का भी विरोध किया था जब मोदी ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत कश्मीर को मिलने वाले विशेष राज्य के दर्जे को खत्म कर दिया था और जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीनकर उसे 2 केंद्र प्रशासित राज्यों में बांट दिया था। बाइडेन ने भारत के नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA को लेकर भी निराशा जाहिर की थी। इसके अलावा उन्होंने नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन यानी NRC को भी निराशाजनक बताया था। क्या भारत के लिए रुकावट बनेंगे बाइडेन? बाइडेन को लेकर लगता है कि पाकिस्तान कुछ ज्यादा ही उम्मीद पाले बैठा है, क्योंकि बाइडेन भारत की उभरती ताकत को नजरअंदाज करके कंगाल पाकिस्तान का रुख करना पसंद करेंगे। ऐसा मुमकिन बहुत कम है। बाइडेन के सामने अमेरिकी अर्थव्यवस्था की हालत को संभालना और चीन की चुनौती से निपटने जैसे बड़े काम सामने हैं, जिसमें वो भारत के साथ ही वकालत पहले से करते रहे हैं। ओबामा प्रशासन के दौरान मोदी के संबंध बेहद शानदार रहे हैं। बाइडेन भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने की भी वकालत करते रहे हैं। वो भारत अमेरिका व्यापार को $500 अरब तक ले जाने की बात करते रहे हैं। बाइडेन अपने उपराष्ट्रपति के आवास पर दिवाली का भी आयोजन करते रहे हैं। बाइडेन के चुनाव अभियान में बहुत से भारतीय मूल के व्यक्ति लगे थे जिनके संबंध मोदी सरकार से बेहद शानदार रहे हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति बनने पर जो बाइडेन को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि मैं भारत अमेरिकी संबंधों को अधिक से अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए एक बार फिर साथ मिलकर काम करने की आशा करता हूं। पीएम मोदी ने भारत मूल की कमला हैरिस को अमेरिका के उपराष्ट्रपति बनने पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि सभी भारतीय अमेरिकियों के लिए ये बहुत गर्व की बात है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो बाइडेन को अमेरिका का राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, आपकी शानदार जीत पर बधाई जो बाइडेन,
उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करने में आपका योगदान महत्वपूर्ण और अमूल्य रहा। मैं भारत और अमेरिका के संबंधों को अधिक से अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए एक बार फिर साथ मिलकर काम करने की आशा करता हूं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने अमेरिका की उपराष्ट्रपति चुनी गई भारतवंशी कमला हैरिस को भी शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी ने उन्हें बधाई देते हुए ट्वीट किया है, हार्दिक बधाई कमला हैरिस, आपकी जीत सभी भारतीय अमेरिकियों के लिए बहुत गर्व की बात है। मुझे विश्वास है कि आपके समर्थन और नेतृत्व से भारत अमेरिका संबंध और भी मजबूत होंगे।